वेलकम बैक टू मानसी लॉस फैशन। माय नेम इज मानसी। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या सोच रहे हो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस आने वाले हैं और बहुत सारे रिक्वेस्टिंग वीडियोस भी आने वाले हैं। और गाइज, आपने मुझे अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो किया नहीं किया तो अभी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें। और बहुत सारे सोशल मीडिया का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइस, मेरा एक और चैनल है मानसी शायर ब्लॉग, जहाँ पे हम लोग अपने ब्लॉग अपडेट्स करते हैं बहुत सारे, जिसमें मेरे हस्बैंड भी आते हैं। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वहाँ पे भी हम बहुत सारे ब्लॉग्स डाल चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में भी बहुत सारे ब्लॉग्स डालने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जीन्स के साथ जीन्स को रिप्लेस करके, या तो आप कोई लेगी पहनना चाहते हो तो आप लेगी पहन सकते हो, कोई पैंट पहनना चाहते हो तो आप पैंट भी पहन सकते हो उसे रिप्लेस करके। मैं आपको जीन्स के साथ बताने वाली हूँ कि आप जीन्स के साथ एक साड़ी को एक वेस्टर्न लुक कैसे दे सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, नेक्स्ट लुक के लिए सबसे पहले आपको ये सीधी सीधी साड़ी पकड़ना है, साड़ी आपको पिक करनी है। मेक श्योर आप ये चीज जरूर ध्यान रखना कि आपका फॉल साइड हमेशा अंदर के साइड हो, और इसके बाद आप पल्लू का साइड पकड़ो लाइक दिस, और इसको कुछ इस तरीके से आप छोटी छोटी प्लीट्स बना लो जितनी छोटी हो सके। और अब हम इसे नॉट लगा के एक फ्लावर का शेप देंगे, यू कैन सी दिस फ्लावर। और अब हम इसको अपने शोल्डर पे, यहाँ पे हमें इसे पिन करना है तो हम कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पे पिन करेंगे। और इसे आपकी क्रॉप टॉप, ब्लाउज या जो भी आपने पहना हुआ है उसके साथ इसे इस तरीके से सिक्योर करेंगे, जिसमें कि ये स्ट्रेच पूरा सीधा सीधा बना रहे। आप यह करिए, इसको इस तरीके से घुमा के, ऐसा जैसा आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से इसको घुमा दिया है, आप इसकी साड़ी को इस तरीके से पिक करो, ये इस तरीके से आप इसका फॉल साइड पिक करिए, और फॉल साइड को इसके पीछे से घुमा के यहाँ पे आपको यहाँ पे लेके आना है इसे, और आपको थोड़ा सा इसे अंदर डाल देना। आप देख रहे हो ये थोड़ा सा इसका फैब्रिक जो है आपको साड़ी का थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट करना है, अंदर की तरफ इसे टक कर मोड़ देना है। और इसके बाद हम इस पे यहाँ पे इसकी प्लीट्स बनाएंगे छोटी छोटी, लेंथ को मेजर करते हुए आप छोटी छोटी प्लीट्स बना लीजिए यहाँ पे। इस तरीके से हमने इसे पूरे में प्लीट्स बना लिया है, और अब हम जो हमने इसको ढीला सा किया हुआ था इसको हम थोड़ा सा और शिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा खोलेंगे, और इसको अब हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए, आप ये देख रहे हो ये टिक नहीं रहा है तो यहाँ पे हम एक और सेफ्टी पिन से लगा देंगे जिससे कि ये टिका रहे। और इसको हम कुछ इस तरीके से, जैसा कि ऑलरेडी हमने इस पे पूरी पीछे पूरी प्लीट्स बना ली है, as you can see पूरी प्लीट्स बनी हुई है इसमें, और इसको हम कुछ इस तरीके से आगे से पीछे की तरफ से इस तरीके से लेके आएंगे और इस तरीके से इसे शोल्डर पे अपने डाल देंगे। आपको सिक्योर करना है अपनी प्लीट्स को दो जगह पे, एक आपको सिक्योर करना है अपनी सेफ्टी पिन को, एक इस शोल्डर पे रफली प्लीट्स बना के आप इसे सिक्योर कर सकते हो, अदरवाइज आप प्रॉपर प्लीट्स बनाना चाहते हो तो आप प्रॉपर प्लीट्स बना के भी इसे सिक्योर कर सकते हो। और मैं इसको सिक्योर करूंगी अपनी इधर वाली प्लीट्स को, ये दोनों साइड मैंने इसे सिक्योर कर दिया है। As you can see ये फ्लावर भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, और ये स्टाइल भी बिल्कुल नया है, ये मेरा खुद का इन्वेंशन है, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। आप चाहो तो इस तरीके से भी साड़ी को पहन सकते हो जो कि आपको एक ड्रेस का गेटअप देगी। सोचा हुआ तरीका था, कुछ तरीके मैंने देखे हुए थे, बट ये जो तरीका है वो मैंने अपने मन से इन्वेंट किया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 मेरी वीडियो को कर देना लाइक, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर,
और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स फॉर योर लव, बाय बाय, टेक केयर। आगे आप कौन से वीडियोस देखना चाहते हो गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस।